द लिटिल गर्ल्स वी आर एंड द वुमेन वी आर नाम की इस फिल्म को बेस्ट एजुकेशनल फिल्म की कैटेगरी में नेशनल अवार्ड के लिए चुना गया। कम उम्र में यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों को उजागर करने में कई साल से काम कर रहे राही फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। देखिए गो न्यूज़ की इस पर खास कवरेज। बच्चों के साथ यौन शोषण एक बड़ी समस्या है, जिससे पूरी तरह से निजात पाना हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या तब होती है जब आपके बच्चों का यौन शोषण करने वाला आप ही का कोई अपना होता है। इंसेस्ट यानी सगे संबंधियों द्वारा कम उम्र में बच्चों के साथ यौन शोषण करना, ऐसे में बच्चों का सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकास भी काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होता है। हालांकि ये समस्या सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हर शहर हर देश में लोग इसे लेकर चिंतित हैं, लेकिन भारत में कम उम्र में बच्चों के साथ सगे संबंधियों द्वारा किया जाने वाला यौन शोषण अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे देश में बच्चों के साथ घुलने मिलने वाले सगे संबंधी काफ़ी होते हैं। और इन मुद्दों पर भारत में लोग बात करना तो दूर, लोग अपने बच्चों को चुप करने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसे ही असहनीय मुद्दों पर आवाज़ उठा रहे राही फाउंडेशन नाम के इस एनजीओ ने एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए 5 रियल लाइफ इंसेस्ट सर्वाइवर्स की कहानी उन्हीं की जुबानी बताई है। इस 38 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में 5 महिलाओं ने अपने साथ हुए यौन शोषण के बारे में बताया। इन 5 इंसेस्ट सर्वाइवर्स ने बहुत हिम्मत दिखाते हुए सिर्फ अपने साथ हुए यौन शोषण की बात ही नहीं बल्कि इन्होंने इस दौरान जिन मानसिक समस्याओं को झेला उसे भी बयां किया। ऐसी ही कम उम्र में यौन उत्पीड़न झेल रहे लोगों की पीड़ा सार्वजनिक करने का काम कर रहा एनजीओ ऐसे सर्वाइवर्स को थेरेपी भी देता है। Better get in touch with organizations who offer this kind of support because it's really necessary to come out of it. Incest के केसेस के मामले में अनुजा गुप्ता भी मानती हैं कि ऐसे मामले दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा हैं। इंडिया में फैमिली को इतना हम मान्यता देते हैं हद से ज़्यादा, है ना, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है कि फैमिली तो सबसे हम सिर पे उठा के रखते हैं कि फैमिली 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 फैमिली, और सबसे ज़्यादा ये फैमिली के अंदर होता है। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री के लेखक का कहना है कि उनको इस कहानी पर काम करना ज़रूरी लगा क्योंकि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सामाजिक स्तर पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। Until people talk about it, change will not happen. Abuse happens in silence. Incest, sexual abuse happens in families and in silence. It thrives in silence. It thrives in secrecy. It thrives in the conditions that create the silence. All we have to do is to find ways of breaking that silence. अक्सर रेप, यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न झेल रही महिलाओं को हमारे देश में चुप रहने की सीख दी जाती है। घर से बाहर रेप होता है तो गलती लड़की की निकाली जाती है, पर कम उम्र में होने वाले यौन शोषण पर अंकुश लगाने की वजह हमारे देश में बच्चों को इस पर बात न करने या चुप रहने की हिदायत दी जाती है। ऐसे में अक्सर बच्चे अपने आप को दोषी या बहुत डरा हुआ महसूस करते हैं। The shame is never the victims or the survivors. The shame is the person who abused. So I think that is the message that has to go across, to say it is, if it has happened to you, it is not your fault. It is not your, you are not guilty for it. रेप, यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए अपने मानसिक हालातों से जूझना सबसे मुश्किल काम होता है, वो भी ऐसे में जब उनकी उम्र और समझ बहुत कम हो। हाल ही में हुए एक सर्वे में ये भी सामने आया था कि 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों में हर 2 में से एक बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है। देश में इंसेस्ट, रेप, यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर समस्याओं को खत्म करने के लिए ऐसे मुद्दों पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे मामलों में अधिकतर हिंसा सगे संबंधी ही करते हैं। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक 95% हुए यौन शोषण के मामलों में अपराधी अक्सर पीड़ित का जानकार ही होता है। आरुषि पुंडी, गो न्यूज़।